नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब साइबर से सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों 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 शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी पूनम है शरद पूर्णिमा, और सालों बाद शरद पूर्णिमा में लग रहा है चंद्र ग्रहण। ग्रहण दोस्तों वैसे पूनम को भी लगता है, लेकिन शरद पूनम शरद पूर्णिमा को यह ग्रहण लगना कोई ऐसी वैसी बात नहीं होती है। इसकी असर हर जीव पर पड़ती है, पशु पक्षी मानव दानव सभी पर मतलब पड़ती है। पूरी सृष्टि पर ग्रहण की असर पड़ती है और पड़ती है। मैं आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा जो है 28 अक्टूबर शनिवार के दिन सुबह 4:17 से ये लग जाएगी, शुरू हो जाएगी, और इसका समापन होगा दूसरे दिन सुबह 1:53 पर। जो ग्रहण है ये 28 तारीख देर रात 1:06 से शुरू होंगे, जिसका समापन होगा 2:22 पर। दोस्तों इस ग्रहण का जो सूतक है वो 7 घंटे पहले मतलब दोपहर 2:52 से लग जाएगा। 2:52 के बाद आपको कोई पूजा पाठ नहीं करनी है, पूजा स्थान में जाना ही नहीं है, मंदिरों के पट भी बंद हो जाएंगे। मतलब ये पूनम ऐसी आ रही है जिसमें आप संध्या समय ना तो लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, संध्या समय आप जो भी उपाय करते थे अभी तक शरद पूनम के, वो आप रात वाले उपाय इस पूनम को रात को नहीं कर सकते। हाँ, एक छोटा सा उपाय आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आप जरूर कर लें दोपहर 2:30 से पहले। आपको क्या करना है, आज के दिन पीले कलर के आप कपड़े पहने या वाइट कलर के पहने, नहा धोकर के स्वच्छ होकर के आप स्वच्छ कपड़े धारण करें, भगवान लक्ष्मी नारायण के घर में स्थापना करें, उन्हें हार फूल चढ़ाएं, गेंदे की माला चढ़ाएं, गुलाब के फूल आप उन्हें अर्पित करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। भगवान की तस्वीर के राइट साइड घी का दिया लगाना है और लेफ्ट साइड आपको तेल का दिया जलाना है। भगवान के सामने आज आप 15 अगरबत्ती लगाएं और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप जाप करें। आज के दिन स्पेशल आपको दो बाती, एक दीपक लेना है, ये बहुत अच्छा टोटका है जो मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, टोटका नहीं, बहुत अच्छा उपाय है। आपको दीपक लेना है, मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। आपको उस दीपक में एक लंबी बाती डालनी है, एक गोल बाती उसमें आपको डाल देनी है, उसमें आपको घी भर देना है। बराबर जो लंबी बाती है इसके मुंह पर थोड़ा आगे की तरफ आपको तेल लगा देना है, मूंगफली का तेल आप लगा दें, पीछे पूरा आप उसको घी में पड़ी है तो कोई बात नहीं है, पड़ी गई। इस बाती में एक लौंग और एक इलायची डाल दें। इस दीपक को आप इसमें सभी तरफ हल्दी से भी ले सकते हैं, कुंकुम भी ले सकते हैं, इसके आप छोटी छोटी सी बिंदी कर दें, तिलक लगा दें और इसको जलाएं। लेफ्ट हैंड नीचे रखें, राइट हैंड ऊपर रखें। जहां भी आप पानी स्टोर करते हैं वहां खड़े हो जाएं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। फिर इस मंत्र को 15 बार बोलें। गणेश जी को प्रणाम करने के बाद, गुरु जी को प्रणाम करने के बाद 15 बार आप इस मंत्र को बोलें। ये मंत्र बोलने के बाद ओम नमो कुलदेवी भ्याम नमः ये बोलना है, और फिर पितृदेवाय नमः नमः उन्हें भी प्रणाम करना है। और इस दीपक को आपको जहाँ पानी स्टोर करते हैं, फिर से बता दूँ, वहाँ पर रख देना है। अगर आप पूनम पूनम ये दीपक अपने पनिहारे पर जलाने लग गए इस मंत्र के साथ, दोस्तों कभी भी गरीबी आपको टच नहीं करेगी। अगर पूनम है और गुरुवार भी पड़ रहा है तो इस दीपक को एक कटोरी में थोड़ा चावल और चने की दाल मिक्स करें, उसमें इस दीपक को जला करके रख दें पनिहारे के पास, और फिर आप इसका चमत्कार देखें। आप बिलीव नहीं करेंगे, वैसे पानी की तरह आएंगे घर में, आप बटोर नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया बढ़िया उपाय है दोस्तों ये। कितनी बार ऐसा लगता है कि छोटे छोटे से उपाय क्या करेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे से उपाय आपकी ज़िंदगी को दोस्तों चमका देते हैं।
अच्छे से मैं बताती हूँ आपको। पाइराइट गरीबी बहुत परेशान कर रही है, घर में पाइराइट रखें जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा आप रख सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ज़्यादा पाइराइट आप अपने घर में रखें। पाइराइट का आप ऐसे इस टाइप का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, आप देखो ये मैंने पहना हुआ है, बहुत सुंदर ब्रेसलेट है ये। पाइराइट का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इसकी अंगूठी भी पहन सकते हैं, और अगर आप अपने घर में इसका रो फॉर्म रखते हैं तो किस वक्त सोने जैसी चमक जरूर करें। छोटा सा उपाय आप देखेंगे किस्मत सच में चमके जैसे कृष्ण।